ये देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जिस तरीके से आप कैफे में जाकर के कैपेचिनो या फोम वाली आप कॉफी पीते थे, वो मैंने घर में किस तरीके से बनाया, ये लग रहा है ना एकदम कैफे स्टाइल। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शेफ अंजलि कुमारी। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मैं बता दूं, मैं हूं आपकी शेफ अंजलि। आज मैं आप लोगों से ये कॉफी की रेसिपी इसलिए मैंने शेयर की क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है और कहीं पे भी कोई रेस्टोरेंट, कहीं पे भी कोई कॉफी शॉप, कहीं पे कुछ नहीं खुला है और हमें बहुत मन करता वो कैपेचिनो और कॉफी पीने का, फोम वाला पीने का, बट हम तरस के रह जा रहे हैं। तो इसीलिए आज मैंने अपने वीडियो में ये चीज शेयर किया है कि आप अपने घर में होममेड एक्सप्रेसो या आप इसे कैपेचिनो या फोम कॉफी, जो आप बोलना चाहे, जो नाम दे सके दे सकते हैं। होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली और फ्रेंड में, और मेरे चैनल पे जो लोग नए आए हैं प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप कभी मिस ना कर सके। बहुत झागदार और फोम वाली कॉफी बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी पहले उसे देख लेते हैं। यहाँ मैंने कॉफी लिया है, फिर मैंने 2 बड़े चम्मच चीनी लिया है, उसके बाद मैंने यहाँ दूध लिया है, दूध मैंने 1 कप लिया है। तो अब कॉफी का फोम बनाना शुरू करते हैं। नेक्स्ट यहाँ मैंने एक कॉफी मग लिया है। अगर आपके पास कॉफी मग नहीं है तो आप ग्लास, कटोरी या कुछ भी ले सकते हैं स्टील का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद मैं यहाँ ये जो छोटी चम्मच है, इस छोटी चम्मच से मैं 1 चम्मच कॉफ़ी निकालूंगी पूरा भर करके, 1 छोटी चम्मच कॉफ़ी, उसके बाद इसमें से 1/2 छोटी चम्मच कॉफ़ी निकालूंगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कॉफ़ी लें कि आप कितना बिटर या कितना आप लाइट पीना चाहते हैं। फिर उसके बाद मैं इसमें 2 बड़े चम्मच चीनी डाल दूंगी। अब यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच चीनी डाल दिए हैं। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल करके, मतलब 4 या 5 बूंद पानी डाल करके, उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। यहाँ मैं कांटे वाले चम्मच से मिक्स कर रही हूँ। अगर आपको कांटे वाले चम्मच से नहीं करना है तो आप कोई भी चम्मच से कर सकते हैं, लेकिन आप देखिए कि मैं इसे कैसे मिक्स कर रही हूँ। तो ये देखिए मैं मिक्स करना शुरू कर रही हूँ और ये मिक्स करते करते देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, और यही जो कम क्वांटिटी का है ये मिक्स करते करते ये अपने आप बढ़ जाएगा। ये देखिए मिक्स करते करते इसका कलर भी चेंज हो गया है और क्वांटिटी में थोड़ा सा बढ़ भी गया है। तो ये देखिए मैंने किस तरीके से इसको मिक्स किया है, जिसको ऐसे ही मिक्स करते रहें, और ये देखिए इसका कलर कितना लाइट हो गया है, चेंज हो गया है। इसको ऐसे ही कंटिन्यूसली मिक्स करते रहें। इसके फ़ायदे भी हैं कि आपकी हाथ की एक्सरसाइज भी हो जाएगी और आपका एक अच्छा, मतलब आपका फोम तैयार हो जाएगा। तो इसको जहाँ जहाँ लगा हुआ उसको स्क्रैप करके अच्छे से मिक्स करते रहें। तो ये मैं दिखा रही हूँ आपको कैसे मैं मिक्स कर रही हूँ। तो इस तरीके से इसको मिक्स करें। ये देखिए मैं कंटिन्यूसली इसे मिक्स कर रही हूँ। और हाँ, अगर आपको लगे कि इसमें थोड़ा और पानी की ज़रूरत है तो वही 2-4 बूंद की पानी आप फिर से डाल करके इसे मिक्स करते रहें, क्योंकि मिक्स करते करते ये कभी कभी हार्ड हो जाता है। तो इसे ऐसे ही मिक्स करते रहें और ये मिक्स होते होते काफ़ी ये फोम में एकदम ऊपर झाग की तरह बनता हुआ आएगा। तो एक बात का और ध्यान रखें कि आप कोई भी, चाहे स्टील की कटोरी लिए हैं या आप गिलास लिए हैं, वो गहरी होनी चाहिए। ये देखिए, ये मैंने पानी डालने के बाद से इसको मिक्स किया तो ये इसका कलर कितना चेंज हो गया है। तो इसको एकदम मिक्स करना है ताकि एकदम चीनी घुल जाए। तो ये देखिए मैं इसको अच्छे से फिर से मिक्स कर रही हूँ, बहुत अच्छे से इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये कितना मिक्स करते करते ये कितना ऊपर तक आ गया, इसका कलर भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसको मिक्स करने में आपको थोड़ी तकलीफ़ होगी क्योंकि एक ही हाथ से इसको आपको मिक्स करना है, तो हाथ में थोड़ा पेन भी होगा, लेकिन एक्सरसाइज भी हो जाएगी और साथ ही साथ आपको ज़्यादा झंझट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप अपने घर में ही मार्केट जैसा कॉफ़ी या कैपेचिनो आप रेडी कर सकते हैं, झाग वाली कॉफ़ी आप बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने किस तरीके से किया, और इसको पूरे अच्छी तरीके से मिक्स करें जब तक ये पूरा चीनी घुल ना जाए और ये झाग अच्छे से पूरा बन ना जाए। और अब हमारा ये
फोम रेडी है। अगर इसमें थोड़े से चीनी के ग्रैनुल्स रह जाएंगे तो उसकी टेंशन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें गर्म दूध पड़ेगा। तो मैंने यहाँ सॉस पैन लिया है और इसमें मैं 1 कप दूध डाल दूँगी और बॉयल होने के लिए छोड़ दूँगी। तो ये जब अच्छी तरीके से पूरा बॉयल हो जाएगा तब इसका हम एक फोम वाला कॉफ़ी रेडी करेंगे। तो मैं इसे बॉयल होने के लिए छोड़ देती हूँ। अब देखिए हमारा दूध भी बॉयल अच्छे से हो चुका है और हमारा फोम भी रेडी है। तो इसमें से मैं 1 चम्मच मैं ले रही हूँ, 1 से 1.5 चम्मच में फोम लूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें कि आप कितना पीना चाहते हैं। तो मैं 1 से 1.5 चम्मच फोम ले रही हूँ और इसके बाद दूध को ऐसे नहीं डालें जैसे नॉर्मल चाय छानते हैं, उस तरीके से नहीं। थोड़ा सा पैन को ऊपर करें और एकदम धीरे 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 मतलब जैसे एक तार की धार बनती है वैसे गिराते रहें ताकि ये फोम बनता रहे। और इसके बाद किसी चम्मच या कांटे वाले चम्मच से इसको अच्छे से मिक्स कर दें ताकि ये हर जगह मिक्स हो जाए। उसके बाद फिर मैं इसमें और दूध डालूंगी और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो ये देखिए हमारा फोम वाला बाहर में जैसे कैफ़े में मिलता है उस टाइप का ये झाग वाली कॉफ़ी हमारी रेडी हो गई है। ये देखिए कितना झाग वाला है, दिखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। और साथ ही साथ आपको ना कैफ़े जाने की ज़रूरत है ना कहीं जाने की ज़रूरत है। अगर आप हॉस्टल लाइफ में रह रहे हैं या कहीं पे भी रह रहे हैं तो आप इसे आराम से बना सकते हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई और रेसिपी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको आगे से कौन सी रेसिपी चाहिए, तो मैं वो रेसिपी ज़रूर आपके लिए बनाऊंगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।